नमस्कार, आप देख रहे हैं kyvanpost.com। यूपीएससी 2020 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह साफ करने को कहा है कि क्यों सिविल सेवा परीक्षा के कैंडिडेट्स को एक और मौका नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि कोविड-19 के कारण इससे पहले ही बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी जताई थी। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दायर किए गए हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं है कि यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया है। दरअसल यह याचिका सिविल सेवा परीक्षा देने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए दायर की गई है जिनके पास साल 2020 में इस एग्जाम में शामिल होने का आखिरी मौका था, लेकिन कोविड-19 के कारण यह एग्जाम नहीं हो सकी। इधर केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने की अनुमति संपूर्ण परीक्षा प्रणाली को व्यापक रूप से प्रभावित करेगी। मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस AM खानविलकर के साथ न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी शामिल है। kyvanpost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।